सुन के तो अच्छा लगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं तो ये हमारे इतना सेवा करते हैं वही काफी है। काफी नहीं, ये हमारी तरफ से होता था। ठीक है, आइए फोटो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस जो आप सभी लोग देखते होंगे, जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दया मैम से मिलने हम लोग जा रहे हैं। और ये उसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, पहले तैयार होकर खड़ी हुई है। हम भी पहली बार मिलने जा रहे हैं, देखते हैं उनकी आवाज़ में हम आपको भी सुनाएंगे कैसी आवाज़ है कैसी नहीं, क्योंकि हम उनकी सीरियल देखते हैं और उनके इतनी बड़ी फैन हैं हम, इसीलिए हम मिलने जा रहे हैं पहले। तो दोस्तों, हम लोग इनके उनके बहुत बड़े फैन हैं, तो हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने। तो चलिए चलते हैं और उनसे मिलते हैं डायरेक्ट आज, क्योंकि हमने बताते हैं आगे कि हम लोग मिले तो कैसे लगे, हम आपको भी बताएंगे, आप भी बताना। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वो मैम कैसी हैं, क्योंकि हम लोग ने आज तक तो टीवी पे देखा है, सामने से आज तक कभी नहीं देखा, तो डायरेक्ट आज उनसे मिलने का मौका मिल रहा है हमें, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अब। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और जा रहे हैं लेकुम की ओर, जहाँ की मैम रहती हैं लेकुम में, और उषा के भाई भी वहीं पे वर्क करते हैं, अभी आ रहे हैं पैदल। तो चलिए चलते हैं, अभी पैदल चला जाए यहाँ से। तो गाइस, हम लोग फाइनली मिल चुके हैं दया मैम से। जी जी, ये आपके लिए, ये हमारे इतना सेवा करते हैं वही काफी है। काफी नहीं, ये हमारी तरफ से होता था। ठीक है, थैंक यू। और आइए फोटो खींच। आप आओ मिलाने, आपको संभाल के तो आ जाओ। सुनिए, मैं आपको बताऊँ, आप यहाँ से सीधा गए, लेट आया फिर आप लैब को मालूम है? हाँ, फूलचंद भाई को बताओ। हाँ, क्योंकि बागेश्वरी माता का मंदिर। हाँ, अरे यहाँ से ऐसे गेट से आप लेफ्ट जाएंगे ना तो राइट साइड पर पहला एक मंदिर आता है। तो अच्छा लगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, तो गांव से फर्स्ट टाइम जो खुशी होती है वो रहती है। हम आपको सीरियल भी देखते हैं, हम बोले कि आप मोबाइल में मेकअप वगैरह कर लेंगे, वो मैं सब एडिट कर दूँगा। ठीक है, तय कर लूँगा। दो बच्चे हैं ना, उसमें टाइम नहीं मिलता है मुझे। जी मैम, वीडियो हमारे भैया यहाँ काम करते हैं दादी के यहाँ, इसलिए हम लोग दादी से मिलने आए हैं और हमारा नाश्ता भी हो चुका है और हम दादी से मिल लिए हैं। दादी काफ़ी अच्छी है अभी। ये हम दादी के घर आ चुके हैं और बैठे हुए हैं, और दादी मेरे को व्यवहार में पता नहीं है, बैग वैग धीरे धीरे क्योंकि ये है, आपको बताई मैं, इसमें खोल कर दिखाओ, बाद में दिखाने आ गए हैं। वो बैठी हुई है दादी, तो दोस्तों हम लोग दादी से मिले हैं, अच्छा लगा दादी से मिले। फर्स्ट टाइम इधर हम लोग मुंबई आए थे तो मिले हैं, और उषा जी भी मिलकर ज़्यादा खुश हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं दादी के दूसरे घर पे, दादी का दो दो घर है, एक में सामने जस्ट सामने सामने है, ये देख सकते हैं। उषा जी देख रही है इधर फोटोज वगैरह, उषा जी को दिखा रही दादी जी। दादी कितनी सुंदर लग रही इसमें भी, अभी भी ये देखिए। हाँ, वो तो क्या हुआ, आ जाओ देखते हैं पूजा घर पे। मीटिंग मीटिंग कॉल में दिया।
तो दोस्तों हम लोग दादी के घर से जा रहे हैं, अब यहाँ से जाएंगे अपन घर की ओर जाएंगे, क्योंकि दादी जी लोग से मिलकर अच्छा लगा। दादी ये तो चलिए चलते हैं, अब फिर से आएंगे दादी, नेक्स्ट टाइम आएंगे। ठीक है तो दोस्तों हम लोग दया मैम से मिलकर और एक दादी थी उनसे भी मिलकर अब जा रहे हैं घर की ओर, और ईशा जी ज़्यादा खुशहाल लग रही है क्योंकि हम फाइनली सब लोगों से मिलकर अब अपने अपने रूम जा रहे हैं, और वहाँ जाएंगे थोड़ी सोएंगे और खाना भी खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे फ्रेश होकर। पहली बार दया मैम से मिले तो थोड़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था मिल पाएंगे, पर मिल लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, स्वभाव से बहुत अच्छा उनका है, बट उनकी थोड़ी बहुत प्राइवेसी होती है जिसके कारण वहाँ वीडियो वगैरह शूट टाइम लग जाता है, प्लस वीडियो वगैरह शूट करने के लिए दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ प्राइवेसी पे रहना पड़ता है। उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। आ चुके हैं फाइनली घर, और हम लोग दया जी से मिले, और कौन थी दादी जी थी उनसे भी मिले, और सभी से मिलने के बाद बहुत मज़ा आया, मतलब कि बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मस्त अच्छे से मिले। बस दया मैम से थोड़ी मिलने में थोड़ी कम टाइम मिला, क्योंकि उनके पास थोड़ी क्या बोलते हैं सिक्योरिटी टाइम नहीं था, अपने लड़की को लेने जा रही थी इसीलिए उनके पास टाइम नहीं था, प्लस उनकी सिक्योरिटी रहती है दोस्तों, क्योंकि वो जल्दी नहीं निकल सकती, जिस सोसाइटी में रहती हैं उस सोसाइटी में उनके गार्ड्स रहते हैं, उनको ज़्यादा निकलने नहीं दिया जाता है, और जानते हो वैसे भी आप, क्योंकि उनको सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा निकलने दिया जाता नहीं है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही समाप्त होता है, आशा करता हूँ कि आपके ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपके ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही ब्लॉग लाते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।